सोना पब्लिक। सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू चैंपियंस गेमिंग। तो भाई हम लोग आ गए हैं वापस एक बार अपने पोकेमॉन एश ग्रे के एक और नए एपिसोड के साथ। सो गाइस, लास्ट वाले एपिसोड में हम लोग आ गए थे सिटी में, जिस सिटी का नाम है मैं भूल गया रे, सैफ्रॉन सिटी में हम लोग आ गए थे। उसके बाद हमको कैद कर लिया था टीम रॉकेट ने, लेकिन हम लोग वहाँ से बच के निकल गए। फिर हम लोग गए जिम में, जो सैफ्रॉन सिटी की जिम है वहाँ पर। बट वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ जो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, और तुम लोग को वो एपिसोड ज़रूर देखना चाहिए। तो अभी क्या अभी जाओ, पूरी प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देखो प्रीवियस एपिसोड जिसने नहीं देखे, ठीक है। तो हम लोग अभी आज का एपिसोड शुरू करेंगे फटाफट फटाफट फटाकट। तो गाइज, अपने आज के एपिसोड का एक ही मोटिव है, वो है जाके एक अपना घोस्ट टाइप पोकेमॉन को पकड़ने का, क्योंकि लास्ट वाले एपिसोड में हम लोग सबरीना से हार गए थे, जिसका वो साइकिक टाइप था। और दद्दू ने हमें बताया था कि साइकिक टाइप के खिलाफ घोस्ट टाइप बहुत ताकतवर होते हैं, तो तुम्हें एक घोस्ट टाइप पोकेमॉन पकड़ना पड़ेगा। तो हम लोग अभी जाएंगे घोस्ट टाइप पोकेमॉन पकड़ने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज एपिसोड। पांडू प्ले द इंट्रो रे बाबा, कर इंट्रो प्ले कर गधे। ये कौन सा पोकेमॉन है? सो गाइस, वीडियो तो स्टार्ट हो गई है, और अपने आज के लिए पोकेमॉन्स भी सेम है, नो चेंजेस, जस्ट सेम। और मैंने थोड़े बहुत इसमें लेवल अप कर दिया था, 33 का कर दिया था सबको, ठीक है। अभी हम लोग जाएंगे। दद्दू ने बताया था कि अब तेरे को जो राइट वाला टाउन है वहाँ पर तेरे को मिल जाएंगे, मतलब ये लेवेंडर टाउन में तेरे को मिल जाएंगे घोस्ट टाइप पोकेमॉन, तो वहाँ पर जाके ढूंढ ले। तो हम लोग अभी आज वही जाएंगे, अपना राइट में है अभी, तो अपने को राइट में ही जाने गए ऑब्वियसली। तो दद्दू अपने को जाने को नहीं देंगे जब तक अपन लोग कोई भी एक घोस्ट टाइप पोकेमॉन नहीं पकड़ लेते। तो अभी हम लोग चलते फटाफट घोस्ट टाइप पोकेमॉन पकड़ते, आ जाएंगे वापस, ठीक है गाइस। ट्रेनर टिप, फुल हील क्योर्स ऑल एलिमेंट लाइक बर्न, पैरालिसिस, पॉइजनिंग, फ्रीजिंग एंड स्लीप। इट कॉस्ट अ बिट मोर बट इट्स मोर कन्वीनियंट देन बाइंग अदर आइटम्स। सही बात है, हम लोग को भी खरीदना है, लेकिन अभी तक हमारे मार्ट में आया नहीं है भाई। फॉग ही फॉग क्या चल रहा है पोकेमॉन में, तो फॉग चल रहा है। ओके, तो आई थिंक बहुत सारे ट्रेनर बैटल्स होने वाले, लेकिन इन लोगों से मैंने थोड़े बहुत बैटल कर लिया है, इन आगे वालों से नहीं किया है, तो मेरे को थोड़ा बच के निकलना पड़ेगा यहाँ से। निकल जाएंगे भाई इजीली, चिल मारो, ठीक है। इन लोगों से मैं बाद में बैटल कर लूँगा, ऐसा कुछ सीन नहीं है, ठीक है। आते आते हम लोग बाद में बैटल कर लेंगे, क्योंकि अब क्योंकि अपने को ऐट द एंड बैटल तो करना ही चाहिए, इसलिए चलो मे भी हम लोग पहुँच ही गए, शायद पहुँच गए। ओके, इट्स टाइम फॉर लेवेंडर टाउन, और फॉग भी हट चुका है, पोकेमॉन सेंटर भी आ गया है लेवेंडर टाउन का। पोकेमॉन टावर वॉज अ लग्जरियस मैंशन, मिस्टर फूजी ओन्ड इट बिफोर ही डाइड, ही यूज टू केयर फॉर पोकेमॉन देयर, पीपल से दिस हर्ट स्टिल हर्ट द बैकग्राउंड ऑफ ट्राइंग टू हेल्प डिस्ट्रिक्ट। ओ क्या मिस्टर फूजी, ओके इसका घर है हाउस, ओके। तो अपने को घोस्ट पोकेमॉन मिलेंगे किधर, लेकिन वेयर आर द घोस्ट पोकेमॉन? ओ ये फायर हेड से अलग है रे, मतलब लैवेंडर टाउन के नीचे कुछ तो था फायर हेड में, पर यहाँ पर वो नहीं है। ओके, इसके पास पिकाचू है, अपने को ये शायद ट्रेड वगैरह वो सब सीन रहेगा मार्ट में भाई। इधर तो कोई घास बीस नहीं, तो पोकेमॉन मिलेगी इधर अपने को मार्ट में? कुछ है क्या स्पेशल चीज़, सुपर पोशन एटीट्यूड और आड़ा? नहीं कुछ नहीं है, फुल हील भी नहीं है बे। फुल हील रहता तो मैं खरीद लेता एक या फिर दो। ये कैसा बोर्ड है? लेवेंडर टाउन द नोबल पर्पल टाउन, ओत्या पोकेमॉन टावर द अबंडेंट मैंशन। वाय इतना बड़ा टावर है और इसको ये क्या हुआ? ब्लड कर्टनिंग स्क्रीम्स कैन बी हर्ड कमिंग विद इन द टावर। ओ भाई गाइस, मेरे को थोड़ा डर लग रहा है रे बाबा जाने को अंदर, जाओ क्या बट तो रही है फिर भी, लेकिन अपने को एट द एंड सबरीना को हराना है, तो अपने को ये करना ही पड़ेगा।
लेट्स गो भाई। अंधेरा भी है रे, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। अरे 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 यार फंस गया रे। एक तो मेरे पास लाइट भी नहीं है दिखाने। अरे भाई यहाँ पर रैंडम, ओ सो वी कैन कैच द गोस्ट ना। चलो गोस्ट कोई तो मिल गया पर उसकी आइडेंटिफाई नहीं हुआ है, सो कैन वी कैच हिम। पोकेबॉल फेंका है पर उसने डॉच कर दिया यार, कैन नॉट बी कॉच, गेट आउट यार। ओके तो शायद मे बी हम लोग इसको नहीं पकड़ सकते, तो भाई पकड़ेंगे कैसे गोस्ट पोकेमॉन को, अपने गोस्ट पोकेमॉन चाहिए यार, क्या करूँ। रुक जगह सुपर ये रेपे लगा रहा था क्योंकि इधर तो पकड़ के कुछ फ़ायदा है नहीं, शायद से किधर और ही मिलेंगे, पर फिर भी मैं एक बार मैंशन घूम लेता हूँ, शायद कुछ आइटम वगैरह मिल जाए अपने को, है कि नहीं गाइस। कुछ काम का चीज़ मिल जाएगा तो अपना काम बन जाएगा। ओके तो यहाँ पर स्टेयर से ऊपर, स्टेयर से ऊपर जाना शायद से। मैं थोड़ा बहुत ये कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कुछ पोकेबॉल वगैरह है कि नहीं, कुछ नहीं है। ओके तो अपने को ध्यान से जाना पड़ेगा। ओके ओके यहाँ पर एक टेबल है, रेपल ख़त्म हो गया, वापस एक बार लगाते रेपल को। अरे टाउन मैप नहीं खोलना है रे गधे। अरे अरे ये टाउन मैप में देखो मैं किधर दिखा रहा हूँ भाई, ये कौन सी जगह है। अरे भाई मैं तो लेवेंडर टाउन हूँ ना। अरे ये क्या, ये कोई ग्लिच है या फिर कोई सीन है भाई, ये क्या है रे। मैं लेवेंडर टाउन में हूँ यार, ये किधर दिखा रहा है मेरे को। ओके गिर जाता भी अभी भाई, कितना बड़ा है ये। ओके यहाँ पर एक टेबल है, ओके यहाँ पर कुछ रास्ता है, धीरे धीरे चलते फंस गए। अरे ओके एक दरवाज़ा है यहाँ पर, सो मे बी ये नीचे जाने का रास्ता है जहाँ से हम लोग आए थे। नहीं ओ ये तो कुछ और ही है बे, ये तो हम किधर और ही आ गए। ओके सो एक मिनट, क्या ये खाना है, डिलीशियस फूड। एक मिनट लेकिन बाहर बोर्ड लगा था कि ये पूरा टावर अबैंडन्ड है तो यहाँ पर कोई नहीं आता, तो फिर ये खाना किसका है। उस बंदे ने बताया था कि यहाँ पर कोई रहता नहीं है, तो फिर ये खाना किसका है। ये क्या हो रहा है, और ये रस्सी इसको खींचे देखे क्या, फुल दिशा रोप को खींच के देखते हैं। वेलकम। अरे अरे क्या है बाबा, मेरे को डर लग रहा है रे। पहला वो भूत भाई, क्या चल रहा है 3-4 एपिसोड से। पहले वो कौन गैसली मिला वो पीक पे, फिर वो सबरीना की डॉल, फिर वो आबरा, अभी ये भाई क्या चल रहा है रे भाई। मतलब ये कुछ, एक मिनट, मतलब ये पुल करने पर ही ये ऐसा सा हिलता है, शायद ये कुछ तो सिस्टम रहेगा कनेक्शन वाला, मैजिक तो नहीं हो सकता या फिर भूत भी हो सकता है, कुछ बता नहीं सकते। अरे यू कौन है, इट्स अ गोस्ट भाई, ये भूत, ये कौन है, हॉन्टर है, हॉन्टर है भाई। अरे ओ तेन भाई, इस हॉन्टर ने मेरा बॉडी में से मेरी स्पिरिट निकाल ली भाई यार। हॉन्टर क्यों भाई, यार हॉन्टर क्यों किया तुमने ऐसा, मेरे को मेरे स्पिरिट वापस चाहिए, मेरे बॉडी मेरे को वापस चाहिए रे। गाइस हॉन्टर ने मेरी स्पिरिट निकाल रहा, लेकिन आप लोग मेरी स्पिरिट मत निकालो ठीक है। आप फटाक जाके इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो पहले जाके। रूम, मुझे तुम्हें एक अलग रूम में लेके जाना है भाई। कौन से रूम में लेके आ गए मेरे को, ऐसे बाहर कैसे निकलूँ। अरे यहाँ से बाहर कैसे, नहीं भाई यार ये कुछ तो करेगा अभी, मेरे को लग रहा है। वाव इन सब टॉयज को तो देखो, तो तुम कहना चाहते हो कि तुम्हें बस एक कोई तो चाहिए जो तुम्हारे साथ खेल सके। पर मुझे माफ करो, मैं यहाँ पर रहकर तुम्हारे साथ खेल नहीं सकता, मुझे मेरे सपने पूरे करना है, एक पोकेमॉन मास्टर बनना है। ओके तो शायद से हॉन्टर ने मेरे को वापस मेरे बॉडी में भेज दिया है,
और हॉन्टर ने अपनी टीम भी ज्वाइन कर ली है क्योंकि ही थिंक्स कि वो हमारे साथ खुश रहेगा। तो हॉन्टर इज अवर टीम नाउ, वेलकम बैक हॉन्टर, अपना वेलकम हॉन्टर। गाइस चलते हैं अभी यहाँ से नीचे, अपने को जाना पड़ेगा। ठीक है हॉन्टर तो आ गया अपने साथ अभी, ओके अभी ध्यान से जाना पड़ेगा क्योंकि अरे ये लोग वापस आ गए बे, इनको 100 बार हराया फिर भी ये लोग को शर्म नाम की चीज़ नहीं है। इतनी बार हराने के बाद भी गधे लोग आ ही जाते वापस, इनको तो अभी सबक सिखाना ही पड़ेगा। गाइस रुक जाओ, इनको दिखाते कि अपन कौन है रे, तुम क्या हमको अभी छोटा मोटा आदमी समझ रहे हो क्या। ये टीम रॉकेट की तो अभी रुको गाइस रुको, इनकी तो वैणी डबल बीम स्क्वाटल, ओके हाफ एचपी फुल चिद्दा बार बे स्क्वाटल, इसको अभी 1 हिट खत्म कर देगा। कोई ना हो जाए पॉइजन, हो जाए घंटा फर्क नहीं पड़ता अपने को। इधर बाजू में ही पोकेमॉन सेंटर है, एक और बार बबल बीम और ये एकंस को कहो टाटा बाय बाय। और अभी आई थिंक कॉफिंग आएगा तो कॉफिंग के लिए भी हम लोग इसके रहने देते, कोई जरूरत नहीं चेंज करने के पोकेमॉन क्योंकि आई नो कि माय स्क्वाटल कैन डू एनीथिंग। उसे कमजोर मत समझो बे, जैसा दिखता है उससे भी ज्यादा खतरनाक है। एक और बार बबल बीम और ये फुल टू फुल हाल है, हाफ एचपी पर लाद दिया है स्क्वाटल में। और स्मोक सरीम का कुछ फायदा नहीं है क्योंकि हम लोग की एक्यूरेसी बहुत बढ़िया है। तो बबल बीम एक और बार स्क्वाटल, ओके हर्ट हो रहा है थोड़े को, डोंट वरी मैं तेरे को हील कर दूंगा, बस इनको हरा दे, इनको तो अभी 2 मिनट में भगा देंगे गाइस। हो गया इनका खेल खत्म, टाटा बाय बाय सी यू। सो एक और बार हम लोगों ने हरा दिया है टीम रॉकेट को बहुत ही इजीली तरीके से। तो टीम रॉकेट को टाटा बाय बाय, हम लोग अभी यहाँ से निकलते हैं फटाफट क्योंकि अपने को अभी जाना है सबरीना के पास भी। सो बच के जाना पड़ेगा। ओए भाई ये क्या है अपना, हाँ मिल गया भाई, स्क्वाटल को बचाने का पहला, स्क्वाटल की हेल्थ नहीं है। हाँ चलो आ गए टाइम पर, नाइस। हो गए अपने सारे पोकेमॉन हील्ड, थैंक यू नर्स जॉय फॉर हीलिंग अवर पोकेमॉन। सो गाइज आई थिंक सो कि अपने को अभी मिल गया है एक गोस्ट है पोकेमॉन, तो अभी वो अब दद्दू अपने को जाने देगा और शायद हम लोग जीत जाएंगे अभी सबरीना से। होप सो कि हम लोग जीत जाए, वरना वो सबरीना अपने को वापस से एक बार डॉल बना देगी, तो अपने को डॉल बनना तो नहीं है। तो गाइज मैं अभी जाऊंगा सबरीना से बैटर करने के लिए, लेकिन अगले एपिसोड में, क्योंकि आज के एपिसोड के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है। सो गाइज अगर आपको ये वाला एपिसोड पसंद आया तो मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन ऑल्सो, जिसे नहीं किया सब्सक्राइब फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, वी आर वेरी क्लोज टू 3000 सब्सक्राइबर्स, तो करवा दो बे प्लीज़। सो गाइज आज का एपिसोड इधर ही खत्म करते हैं, आई विल सी यू गाइज इन नेक्स्ट एपिसोड, टिल देन टेक केयर बाय बाय सी या टाटा। और हॉन्टर को भी कर दो टाटा क्योंकि हॉन्टर इज अवर न्यू मेंबर ऑफ अवर टीम, वेलकम हॉन्टर, बाय बाय गाइज। ये है